Each dribble, each pass, each play is more than a game. It's a lesson of patience, perseverance, and the joy of the effort. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge, your premier destination for CBSE excellence in the region. यूपी के सीतापुर में समाजवादी पार्टी की पीडीए पदयात्रा सातवें दिन मोहली विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण किया। धौरहरा लोकसभा क्षेत्र से आनंद भदौरिया के नेतृत्व में निकल रही पीडीए यात्रा ने घूरेखेड़ा, तिहार मोड़, कंचनपुर, रावतपुर, सहरोई, डल्लूपुर, जंगना, नौवा, अंबरपुर, सादत नगर, काजी कमालपुर आदि जगहों में भ्रमण किया। इस दौरान पूर्व एमएलसी आनंद भदौरिया ने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी बढ़ी है। देश की 80 करोड़ संख्या सरकारी राशन पर निर्भर है। महंगाई बेरोजगारी से आम जनता का जीवन त्रस्त है। भाजपा सरकार के 10 साल में देश में गरीबी और आर्थिक तंगी से करीब 1 लाख से ज्यादा किसानों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। पीडीए पदयात्रा का घूराखेड़ा में देवेंद्र सिंह, तिहार मोड़ पर गुड्डू प्रधान, रावतपुर में रमेश कुमार, सतीश कुमार, छोटू, सहरोई में कालीचरण गौतम, सरोजनी देवी, इंद्र कुमार राजवंशी, डल्लूपुर में लालता प्रसाद, जंगना में ओमकार वर्मा, भजन लाल वर्मा, भगवान दीन ने स्वागत किया। नौवा खेड़ा में धनंजय सिंह, सहादत नगर में फयाज खान, काजी कमालपुर में नन्ने वर्मा, उमा शंकर वर्मा, असलम, शेर सिंह, सलीम खान, फकरुद्दीन, शाहरुख खान, उत्तम वर्मा ने स्वागत किया। काजी कमालपुर में सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया ने राजा सलीह सिंह, अर्कवंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। बता दें, आनंद भदौरिया इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मैदान में उतरे थे। उनके लिए यह क्षेत्र कोई नया नहीं है। पीडीए पदयात्रा धौरहरा से 14 फरवरी को शुरू हुई थी। 3 दिन धौरहरा और 3 दिन हरगांव विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण के बाद मंगलवार को मोहली विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। पीडीए पदयात्रा में सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, लखीमपुर खीरी के पूर्व जिला अध्यक्ष अनुराग पटेल, सुरेश यादव, वीरेंद्र यादव, शिवम श्रीवास्तव, अरुण दीक्षित, मोनू जगन्नाथ सिंह, अमित शुक्ला, सतीश द्विवेदी, मनोज यादव, इंद्र यादव, शेखर यादव, अखिलेश यादव, गुड्डू अंसारी, रमेश शुक्ला, आनंद पटेल, उत्तम वर्मा, रमन मनार, भूपेंद्र सिंह सहित तमाम कार्यकर्ता व ग्रामीण शामिल हुए। सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने आई इंडिया को बताया, धौरहरा क्षेत्र के प्रत्याशी और पूर्व एमएलसी आदरणीय आनंद भदौरिया जी के नेतृत्व में ये पीडीए पदयात्रा 14 तारीख से धौरहरा से शुरू हुई है और विभिन्न गांवों में जाते हुए पदयात्रा करते हुए माननीय राष्ट्रीय जी के जो पीडीए चलाया है उसकी जनभावनाओं को जनता को अवगत कराने का काम माननीय आनंद भदौरिया जी कर रहे हैं और जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो लोगों का स्नेह और प्यार मिल रहा है। तमाम लोगों ने अपनी पीड़ा बताई जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन लोगों को उनके साथ जास्ती हो रही। तमाम लोगों से इन्होंने पूछा, लोगों से बताया कि हम लोगों को गैस सिलेंडर तो मिला है मगर 950 रुपये का मिल रहा है, हम लोग गैस नहीं भरा पा रहे हैं। और आवास भी देखे, ऐसे लोगों के यहाँ जाके इन्होंने खाना खाया, जाके कहाँ उनके घरों में खिलाया उन्होंने बुला के, तो वहाँ घरों में उनके रहने के लिए नहीं है, वो धोती का पर्दा डाल के उन लोग रह रहे हैं। ऐसे तमाम गरीब लोगों से मिल रहे हैं और सबका स्नेह मिल रहा है। ये पीडीए यात्रा या धौरहरा से शुरू होकर पूरी लोकसभा क्षेत्र में जाएगी। आज इसका 3 दिन धौरहरा में रही, 3 दिन हरगांव में रही, आज मोहली विधानसभा में प्रवेश करने के बाद जा रही है। अब रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद आगे फिर इसका रूप देंगे। पूरी 5 विधानसभाओं में ये पीडीए पदयात्रा जाकर आदरणीय माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी और बाबा साहब अम्बेडकर के थे संविधान को जो खराघात हो रहा है उसको जनता का बताने का काम कर रहे हैं। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी काम नहीं किया है, केवल जनता को बहकाने का काम किया है और इसलिए समाजवादी पार्टी ही एक विकल्प के रूप में है। और समाजवादी पार्टी इस संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ में ये सब जनता कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।